Welcome to our YouTube channel Go for Agriculture Education. Guys, I am continuing after a long time due to some health issues. In this lecture, we will discuss about buffalo breeds, then we will discuss about exotic breeds of buffalo, then we will discuss about goat breeds, sheep breeds. ठीक है, इसी के साथ जो जो टेक्स होंगे मैं आपको बताता रहूँगा कैसे इनको याद करना है, कौन कौन से मेन करेक्टर्स है और कौन कौन से मुख्यतः क्वेश्चन बने हुए हैं इन चीज़ों से. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं बफेलो की जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में देखते हैं. सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि याद कैसे की जाए. ठीक है, तो एक ट्रिक है इसके लिए, आप इसको नोट करिए जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ. ट्रिक है मुन्ना बजा सुर में, मुन्ना बजा सुर में. मुन्ना से हो जाएगा मुर्रा, बजा बजा में जो बी ए है उसे बदावरी, जा से जाफरबादी, उसके बाद सूर से सूरती, मै से महसाना. ठीक है, उसके बाद गोदावरी और नीलरावी भी कुछ ब्रीड्स हैं तो आप उनको याद कर सकते हैं. तो मुन्ना बजा सुर में एक ट्रिक है इसको याद करने की. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मुर्रा के बारे में. इसका नेटिव है सदर्न पंजाब है. इसके जो फीचर्स है ये बेस्ट इन मिल्क, 7% इसमें फैट होता है. ठीक है, भदावरी है उसका नेटिव आगरा है, हाईएस्ट फैट 13% है. जाफरबादी गुजरात में है, कॉपर कलर्ड ब्रीड है. ठीक है, नीलरावी राजस्थान, वाइट आई वॉल आई. ठीक है, महसाना गुजरात की है. ठीक है, वाइट सूरती गुजरात की है. सिकल से पॉन्स होते हैं इसका, गोदावरी आंध्र प्रदेश है. तो ठीक है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा मुन्ना बजा सुर में. ठीक है, ये हो गई ब्रीड्स ऑफ बफेलो. नेक्स्ट है देखते हैं इनको इंडियन ब्रीड्स बफेलो की. सबसे पहले है जो मुर्रा ग्रुप में कौन कौन सी आते हैं. मुर्रा ग्रुप में आते हैं मुर्रा, नीला रावी और कुंडी. ठीक है, उसके बाद है गुजरात ग्रुप में सूरती, जाफरवादी एंड महसाना. यूपी में बनावरी और तराई. ठीक है, सेंट्रल इंडिया ग्रुप में नागपुरी एंड पंधारपुरी. साउथ इंडिया में आ गया टोडा एंड साउथ कानरा. ये इनका मतलब जो ग्रुप है किस किस नेटिव से बिलोंग करती है उनके आधार पर ग्रुप बनाया गया है. ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. जाफरबादी के बारे में बात करते हैं तो जाफरबादी हैवीएस्ट ब्रीड है. इसका ओरिजिन गिर है गुजरात से है. ब्लैक कलर का होता है, जेट ब्लैक कलर, प्रोमिनेंट ब्रॉड एंड कॉन्वेक्स फोरहेड होता है इसका. हॉर्न्स है वो रिंग लाइक होते हैं इसके, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, रिंग्स लाइक हॉर्न होते हैं. मिल्क यील्ड है 2000 केजी पर लैक्टेशन में होता है. एवरेज फैट है 7.6% पाया जाता है. मेल्स है वो यूज होते हैं हैवी ड्रॉट पर्पज के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है महसाना. महसाना को जब क्रॉस किया जाता है मुर्रा और सूरती से तो महसाना बनती है. ठीक है, मुर्रा बोल्स आर यूज फॉर ग्रेडिंग अप इन महसाना एरिया. ग्रेडिंग आपको पता ही होगा, ग्रेडिंग अप. ठीक है, उसके बाद है ओरिजिन इसका महसाना गांधीनगर है. ब्लैक कलर का है, सिकल से पॉन्स, कर्व मोर अपर देन सूरती एंड लेस कर्व देन मुर्रा ब्रीड, ये इसका एक फीचर है. उसके बाद एवरेज मिल्क यील्ड है 1500 से 2000 केजी पर लैक्टेशन. इट इज़ हाईली वैल्यूड फॉर घी प्रोडक्शन. महसाना आप इसको ऐसे याद करते हैं जैसे महान का घी आता है, एक ब्रांड है महान, उसको महसाना तो आप याद कर सकते हो. घी प्रोडक्शन में इसका ज़्यादातर यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है सूरती. सूरती इसका जो ओरिजिन है वडोदरा गुजरात है, सूरत है डिस्ट्रिक्ट आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. सिकल से पॉन्स एंड फ्लैट ग्रो डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं. ठीक है, टू वाइट बैंड बिलो द नेक एंड बिटवीन ईयर्स. गुड एनिमल. मिल्क यील्ड है इसका 1000 से 1500 केजी पर लैक्टेशन है. एवरेज मैच्योर है जो इसका जो वेट है वो 500 केजी होता है. ठीक है, और फीमेल में इसका 400 केजी होता है. मुर्रा है, मुर्रा का ओरिजिन है रोहतक है, हिसार में, पंजाब दिल्ली भी बनाया जाता है. जेट ब्लैक कलर होता है, मैसिव विद लॉन्ग एंड डीप बॉडी, शॉर्ट एंड टाइटली कर वॉन्स होते हैं. जिग जैग मिल्क वेंस होती है. मुर्रा मीन्स होता है कर. लैक्टेशन यील्ड है 1000 से 2000 केजी होता है. फैट 7.3% है. बेस्ट बफेलो ब्रीड है इंडिया वर्ल्ड की मुर्रा. आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा मुर्रा बफेलो के बारे में. ये बेस्ट ब्रीड है. ठीक है, जिग जैग मिल्क वेंस होती है और जेट ब्लैक कलर होता है. और ओरिजिन रोहतक, हिसार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड नई दिल्ली पाया जाता है. ठीक है, नीली रावी इसका ओरिजिन मुर्रा के जैसे ही होता है. ब्लैक टू ब्राउन कलर होता है, वॉल आइट होती है, वाइट पेचेज ऑन फोरहेड, कर्ल्ड हॉर्न्स होते हैं. मिल्क यील्ड 1500 से 2000 केजी पर लैक्टेशन पाया जाता है इसका. उसके बाद है नागपुरी. ओरिजिन नागपुर होता है. ब्लैक इन कलर, स्मॉल साइज की होती है. हॉर्न्स है वो लॉन्ग एंड फ्लैट होते हैं. एवरेज मिल्क यील्ड 1000 केजी पर लैक्टेशन होता है. फैट 7 to 8.5%.
उसके बाद है बदावरी ऑरिजन, इसका यूपी एंड एमपी होता है, लाइट कलर ब्राउनिश कॉपर कलर होता है, फैट कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसमें। टू वाइट लाइन एट द लोअर साइड ऑफ द नेक, मिल्क यील्ड 800 से 1500 केजी पर लैक्टेशन पाया जाता है। फैट की बात करें तो 6 to 14% होता है इसका, बदावरी सबसे ज़्यादा फैट इसी में पाया जाता है। उसके बाद टोडाई सदर्न ग्रुप वाली है, ऑरिजन इसका नीलगिरी ऑफ तमिलनाडु, नेम्ड आफ्टर ए ट्राइब, लार्ज एंड हैवी ब्रीड है, हॉर्न से लॉन्ग होते हैं, कन्फाइंड टू डेंस फॉरेस्ट में ये पाई जाती है, क्वाइट पावरफुल एंड फाइट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। उसके बाद मिल्क यील्ड इनकी 500 केजी इन 200 डेज लैक्टेशन में 500 केजी इनकी मिल्क यील्ड होती है। एक्जोटिक ब्रीड की बात करते हैं तो एक ब्राउन स्विस है, ओरिजिन स्विट्जरलैंड है, यूनिफॉर्म ब्राउन इन कलर, लार्ज फॉर्म्ड होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन 6000 से 7000 केजी पर लैक्टेशन, मिल्क फैट 4%। जर्सी की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रीड है यूरोपियन में, ठीक है, ऑरिजिन इसका जर्सी आइलैंड यूके का, टैन टू क्रीम कलर का स्मॉल डेयरी ब्रीड है, शॉर्ट डिश फॉरहेड पाया जाता है, मीडियम साइज का शॉर्ट हॉर्न्स होते हैं इसके, और मिल्क यील्ड होती है 4000 से 5000 केजी पर लैक्टेशन। होल्स्टीन फ्रेशियन की बात करें तो ऑरिजिन इसका हॉलैंड एंड डेनमार्क होता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है ये, लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड है, ठीक है, यील्ड इन 6000 से 8000, फैट थोड़ा लो होता है 3 से 4.5%। वर्ल्ड्स की हैवीएस्ट केटल ब्रीड एंड ऑल्सो हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है ये, इसको याद रखना, इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इसका एक। नेक्स्ट है आयरशायर, आयरशायर का आप इस तरह याद रखते हैं, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या ब्यूटीफुल है, तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द केटल ब्रीड है ये, ठीक है, ऑरिजन स्कॉटलैंड है, चेरी रेड एंड वाइट कलर, स्मॉल पॉइंटेड हॉर्न्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन 500 to 6000 के जी पर लैक्टेशन, मिल्क फेट 4%, एडल्ट काऊ का वेट होता है 450 to 600 kg, थर्ड हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और ब्यूटीफुल होती है। उसके बाद बात करते हैं गर्नसी, ऑरिजिन इसका यूनाइटेड किंगडम है, रेड एंड वाइट विद वाइट मार्किंग, स्मॉल पॉइंटेड हॉर्न्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन 4000 to 5000 केजी पर लैक्टेशन पाया जाता है, मिल्क इन मिल्क इज रिच इन फ्लेवर, फ्लेवर होते हैं इसके मिल्क में, ठीक है, मेल में मेल का जो वेट है 600 to 700 kg होता है, फीमेल का 450 to 500 kg, इसका जो मिल्क प्रोडक्शन में है फोर्थ है रैंक। उसके बाद है ब्रीड्स ऑफ गॉट, ठीक है, गॉट की कुछ ब्रीड हैं, जमनापुरी, बरहारी, बैतूल, ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी एंड सिरोही, ठीक है, इनका नेटिव देख लेते हैं, जमनापुरी का इटावा, बरहारी का सोमाली अफ्रीका, बैतूल का पंजाब, ब्लैक बंगाल का बंगाल, मारवाड़ी का राजस्थान, सिरोही का राजस्थान। फीचर्स देख लेते हैं, जमनापुरी क्या है, डबल पर्पज ब्रीड है, रोमन नोज है, कर्व ईयर्स पाए जाते हैं। बरहारी की बात करें तो डेयरी ब्रीड है, यूजुअली गिव बर्थ टू किड्स, ठीक है। बैतूल की बात करते तो रिजम्बल है जमनापुरी, और मेल में बियर्ड पाई जाती है। ब्लैक बंगाल है वो एक्सीलेंस फॉर मीट है। मारवाड़ी की बात करें तो डिजीज रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, डेजर्ट होता है राजस्थान में उसी प्रकार। सिरोही है, सिरोही राजस्थान का नेटिव राजस्थान है, डबल पर्पज ब्रीड है। नेक्स्ट है ब्रीड्स ऑफ सीप, तो रीजन के हिसाब से दिया गया है, हिमालय, हिमालय रीजन में जैसे गड्डी और बकरवाल, तो नेटिव इनका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। रिमार्क, इसमें जो फाइन क्वालिटी वूल होती है और लोई बकरवाल से प्राप्त होती है, ये एक अच्छा क्वेश्चन मिलता है, लोई वूल किससे प्राप्त होती है, तो बकरवाल से, ठीक है। सदर्न की बात करते हैं, सदर्न में तीन है, डेक्कनी, नेल्लोर एंड मंड्या। डेक्कनी का जो ओरिजन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बताया जाता है, नेल्लोर का आंध्र प्रदेश और मंड्या का कर्नाटका। डेक्कनी की बात करें तो गुड मटन और कंबल मेकिंग में इसका काम किया जाता है, काम आता है इसका वूल। नेल्लोर की बात करें तो टैलेस्ट ब्रीड है सीप की, और मंडिया की बात करें तो वाइट इन कलर होता है। एस्टर्न ब्रीड की बात करें तो शाहाबादी और इसरडेल, शाहाबादी का ये जो नेटिव है मुजफ्फरपुर, इसरडेल का है वो हिसार, ठीक है, शाहाबादी है बेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग सीप है, और जो इसरडेल है वो बीकानेरी और मेरिनो के क्रॉस से बनती है। वेस्टर्न रीजन की बात करते तो उसमें लोही, बीकानेरी और चोकला, लोही में की लोही का जो नेटिव पाकिस्तान बताया जाता है, बीकानेरी का राजस्थान और चोकला का सेखावटी। लोही है वो लार्जेस्ट सीप है, ठीक है, ये ध्यान रखना, नेल्लोर तो टालेस्ट है और लोही है वो लार्जेस्ट सीप है, बीकानेरी है वो बेस्ट कारपेट वूल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, और चोकला है उसको बोला जाता है मेरिनो ऑफ राजस्थान। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे आने वाले जो लेक्चर वो कंटिन्यू रहेंगे और आपका सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। उसके बाद कुछ मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चंस का होगा, जो जितने भी इंपॉर्टेंट मुझे क्वेश्चंस लगेंगे वो सारे मैं एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूँगा। आपको इस
वीडियो का जो पीपीटी है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल